ताज दे पत्तियां वांग टेरी हो गया मकान। अखां दे सामने तबाह होया आशियाना, रोंदा परिवार हुन पा रिया दुहाइयां। जी हां, इत्थे अखां दे सामने ही एक पक्का मकान ढह ढेरी हो गया अते नाल लाते नाले दे विच समा गया, जिस करके इस घर च रहन वाले परिवार दे हंजू रुक नहीं रहे। तस्वीरां ने मोहाली जिले दे टकौली दिया, जिथे कृष्णा इनक्लेव दे विच नाले दे नाल बने एक पक्के मकान दे विच ऐसियां तरेड़ां आईयां कि देखदे ही देखदे अखां दे सामने अद्धा घर ताश ते पत्तियां वांग ढेरी हो के नाले दे विच समा गया। परिवार देखदा रह गया पर कुछ कर नहीं सकिया। गनीमत रही है कि जदों यह मकान डिग्गिया तां घर दे विच कोई मौजूद नहीं सी। हालात देख के घर पहला ही जिहड़े परिवारिक मैंबर सन बाहर निकल आए सन, बच्चे स्कूल गए हुए सन, जिस करके कोई भी जानी नुकसान नहीं होया, पर इत्थे घर दे अंदर पिया कीमती समान जरूर तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। दस्सिया जा रहा है कि इस घर दे विच तरेड़ां आईयां होईयां सन। तस्वीरां दे विच भी नजर आया है जिथे मकान डिगन तो पहलां दे हालात देखो कि किस कदर डूंगियां ते वड्डे वड्डियां तरेड़ां इस मकान दे विच पईयां होईयां ने। थल्लों लै के उपर छत तक लंबी लंबी तरेड़ साफ नजर आ रही है, जिस करके ये लोग जड़े सन जो इस घर दे विच रह रहे सन, परिवार से एक डर दे साए हेठ रह रहा सी। पर जिवें ही इन्हां नूं खतरा महसूस होया तां बाकी दा परिवार घर तो बाहर निकल आया। बच्चे स्कूल गए हुए सन तां इसे विचाले अखां दे सामने देखदे ही देखदे अद्धा घर जिहड़ा है टुट के नाल लगदे नाले दे विच वह गया। इस घर च रहन वाली औरत दा कहना है कि ओह अपने पुत दे नाल इकल्ली ही इस घर च रहिंदी है। उसका पुत पढ़ाई करदा अते उसदे पति फार्मा कंपनी दे विच काम करदे ने। रोंदी हुई इस औरत ने दस्या है कि बड़ी मेहनत दे नाल उन्होंने अपना आशियाना है तैयार किया सी, तां हुण उन्हां दीआं अखां दे सामने ही ये पूरा दा पूरा ढह ढेरी हो गया है। उन्होंने दस्या है कि इस नाले दे उत्ते 2 महीने पहला एक पुल सी जो कि अस्थाई रूप दे नाल बनाया होया सी, तां ओह वी टुटण दी कगार ते सी, जिस तों बाद घर दे विच वी हल्कियां दरारां आणियां शुरू होईयां ते कदों इह वड्डे वड्डे पहाड़ पै गए ते मकान हुण ढह ढेरी हो गया। उन्हां दीआं अखां दे सामने ही सब कुछ होया, उन्हां दा आशियाना बर्बाद हो गया, पर ओह कुछ कर नहीं सके। हुण ओह रोंदे कुरलोंदे गुहार लगा रहे ने कि उन्हां दी मदद कीती जाए। इत्थे फायर ब्रिगेड दीआं गड्डियां वी मौके ते पहुंचियां, जिन्हां दे कर्मियां नाल रल के इस औरत ने अपना कीमती समान जो बचिया सी इस घर दे विचों बाहर कढ लिया, क्योंकि हुण बाकी दा घर वी किसे वेले वी ढह ढेरी हो सकता है, जिस लई हुण मकान नूं पूरी तरह खाली कर दिता गया है। ये क्रैक इसकी वजह से है, ये पुल है, ये पुल टूटा भी महीने पहले, उसके बाद आने शुरू हुए हैं। ये साथ में है क्या चीज़? ये नाला है, नाले के साथ। तो आपको कितने बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी इसकी? मुझे 2:30 बजे मिली, 2:30 बजे करा ना हमने फोन की मकान गिर गया मेरा, तब मैं वहाँ से ऑफिस से दौड़ी दौड़ी आई। कहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, अंदर ही पड़ा है, मेरा सारा सामान अंदर पड़ा है। फैमिली में और कौन है साथ में? कोई नहीं है, मेरा बेटा और मैं ही है बस। हस्बैंड इसके बाहर को नहीं, मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं। कोई मदद मिल रही है जी किसी से, बिल्डर से या किसी कॉलोनी वाले? नहीं, देखने भी नहीं आया अभी तक। अभी कोई नहीं आया। आपका नाम क्या? मेरा नाम इंदिरा है, मैं मकान नंबर 38 पे रहती हूं। सूचना दी थी इनको? हां जी, मैंने इनको कॉल किया कि आपको कितने बजे की घटना है। मैंने इनको 2:30 बजे कॉल कर दिया था। हाँ जी, फिर इसको फोन किया, मैं कहा आप जल्दी आओ, ऑफिस छोड़ो अपना। फिर हंसराज जी को, शर्मा जी हमारे साथ में ही रहते हैं 75 में, उनने कॉल की, हंसराज जी को बुलाया। कितना भी घंटा डेढ़ होगा यहाँ पे, कोई पुलिस या प्रशासन की तरफ से घंटा हुआ है? हाँ जी, वार्ड पार्षद भी नहीं आया? नहीं नहीं, पार्षद उनके आगे, पार्षद के आए हैं, ये अपना चौतार जी आए हैं, विकास जी आए हैं। बिल्डर कौन है जी? चौतार जी बिल्डर। किसने बनाई सोसाइटी ये? ये मिंटा जी है, वैसे कॉलोनी जो कटी है, प्लॉट काटे हैं उन्होंने। ये जो पुलिया है ये किस लिए तोड़ी गई थी? इसको 4 महीने हो गए पुल को गिरे ना, ब्लॉक था एक्चुअली ये ना, थोड़ा सा पहले ये दीवार गिरी, पहले दीवार गिरने से करते करते ये साइड से दीवार गिर गई, पहले यहाँ कचरा था वो निकलवाया हमने, उसके बाद दीवार अगर जब गिरी
कम से कम एक दो साल बाद वो दीवार ही नहीं बनी। दीवार गिरने के बाद होली 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 करके ये और बैठता गया बैठता गया। ये जो दरारें आई हैं कितने दिन से आ रही हैं? ये इसको भी 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने तकरीबन हो गए हैं। प्रशासन से, प्रशासन से कोई नहीं आया साल के बीच में? कोई नहीं आया। इसका भी झगड़ा थोड़ा ये साथ वाले प्लॉट का, इसका भी अगर कुछ हल होता तब जाके यहाँ हो जाता। सर बिल्डिंग की सूचना किस समय मिली थी? अपन मैनू मिली सी जी यह 1 घंटा तकरीबन, इस तो 1 घंटा पहले। ओके, फिर आप की प्रिकॉशंस लेते थे? प्रिकॉशंस इदा है जी, कैजुअलिटी तो कोई है ही नहीं सी बिल्डिंग च। जो भी क्रैक्स वगैरह आए हैं तुम मौजूदा रहे हैं तो कोई उरे है नहीं सी। तो जोड़ा कीमती समान सेगा वह मतलब कि मैंबर हर अपनी टीम ने थोड़े मतलब कि पब्लिक के सहयोग न वो सारा कढ लिता गया है। तो बाकी जो भी होएगा समान वगैरह वो असी उरे ऑन ड्यूटी बैठे हैं, जो भी होएगा तकरीबन मेरे ख्याल तो भी अद्धा का हिस्सा हाले डैमेज हो गया। तकरीबन मेरे ख्याल तो पूरा ही घर डैमेज। नुकसान तो त्रेड़ा होर भी आने हो? हाँ त्रेड़ा आ रही हैं, मतलब कि सारी बिल्डिंग नुकसान अनसेफ है। क्या नाम है अंकल जी अपना? मेरा सुरेश शर्मा जी। सुरेश जी, ये जो दरारें आई हैं मकान के अंदर, इसका कारण आप क्या मानते हैं? कारण है बरसाती नाला जी, बरसाती नाला। इसकी रिपेयर हुई नहीं है और धीरे 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 डैमेज होता रहा। इसकी आरसीसी नीचे से खाली हुई पड़ी है, तो उस कारण से ये। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग नालों के किनारे मकान बनाने से बाहर नहीं आ रहे? ये तो शुरू से बन रहे हैं जी, अब क्या करें जी। ये कौन सी कॉलोनी है जी? ये कृष्णा एंट्री। कौन इसका कॉलोनाइजर कौन है जी? हरजीत सिंह मिंटा जी। ये वार्ड नंबर कितना पड़ता सर? वार्ड नंबर 14। 14। कभी इस चीज़ की शिकायत मिंटा जी को आप लोगों ने की हो? कई बार जी। तो उसका एक्शन क्या हुआ जी? एक्शन कुछ भी नहीं। एक्शन कुछ नहीं।